बच्चों, मैं नेहा संत फिर से उपस्थित हूँ आपके लिए आपके व्याकरण का दूसरा अध्याय वर्ण विचार लेकर के। जैसा कि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं भाषा, लिपि, व्याकरण और जल्दी बोलो बोली। तो भाषा हमने सीखा, भाषा किसे कहते हैं? संस्कृत भाषा की भाष धातु से उत्पन्न हुई है जिसका अर्थ होता है बोलना या व्यक्त करना। उसके बाद हमने उसके अंग देखे, भाषा के रूप देखे, कौन कौन से होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक, ठीक है। इसके बाद में हमने देखा लिपि की भाषा के लिखित रूप को क्या कहते हैं, लिपि कहा जाता है। फिर हमने पढ़ा व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण भाषा के भाषा को शुद्ध लिखना, बोलना और पढ़ना, इन तीनों कार्यों के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है क्योंकि भाषा को शुद्ध लिखने, पढ़ने और बोलने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। व्याकरण क्या है? नियम है, ठीक है बच्चों। फिर हमने देखा बोली क्या होती है, बोली क्या होती है बच्चों, बोली एक स्थानीय मतलब स्थानीय क्षेत्र में बोली जाने के कारण वो बोली बन जाती है, लेकिन जब उसका कार्य साहित्य सृजन के लिए किया जाता है, उसका प्रयोग जब साहित्य रचना के लिए किया जाता है तो वो उपबोली बन जाती है। उसके बाद हमने देखा अनुसूची जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, उसके अंदर कौन कौन सी 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया। तो आज हम उसके बाद पढ़ते हैं, दूसरा टॉपिक है हमारा वर्ण विचार। मैंने आपको बताया था वर्ण क्या होते हैं। देखो सबसे पहले वर्णों के बारे में जान लेते हैं। व्याकरण के जो अंग हैं तीन, कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो वर्ण विचार यदि आपको आ जाते हैं तो वर्ण विचार से आप शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, और यदि आपको शब्द निर्माण आ जाते हैं तो शब्द निर्माण के बाद में आप वाक्य निर्माण कर सकते हैं, और वाक्य निर्माण जब आपको आ जाएगा, वाक्य बनाना जब आपको आ जाएगा, तो आप अपनी बातों को दूसरों के सामने स्पष्ट करने में या अपनी बातों को समझाने में सक्षम होते हैं, अर्थात आप अपनी बातों को आसानी से समझा सकते हैं, ठीक है। तो वर्ण विचार क्या होता है? ध्वनियों के व्यवस्थित क्रम को ही वर्ण कहते हैं। ध्वनियां हमारे मुख से हम जो भी उच्चारित कर रहे हैं, यानी हमारे मुख से निकलने वाली जो ध्वनि है, जो साउंड है, उन्हें एक निश्चित आकार, निश्चित एक रूप प्रदान किया गया, वही निश्चित रूप और निश्चित आकार क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। और जब इन्हें क्रम के अनुसार रखा जाता है, व्यवस्थित तरीके से रखा जाता है, तो ये क्या कहलाती है? वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है बच्चों। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन होती है, क्या होती है, तो वो वर्ण होते हैं। यदि आपसे ये पूछा जाए कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो शब्द होती है। वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता क्योंकि वो टुकड़ों के अंदर होते हैं। टुकड़ों का कहने का मतलब है अ आ ई ई ऊ ऊ री ए ऐ ओ औ अं अः क ख ग घ, तो इनको जोड़ने पर आपके शब्द बनते हैं, और वही शब्द जो होते हैं वो सार्थक होते हैं। जैसे संधि की जो परिभाषा है वो आप क्या देते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को संधि कहा जाता है। तो दो वर्णों को मिलाने पर शब्दों का निर्माण होता है और वही सार्थक इकाई कहलाते हैं, ठीक है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन होती है? वर्ण। खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। शब्दों के आप टुकड़े कर सकते हो क्योंकि वो वर्णों को जोड़ने पर बने, लेकिन आप वर्णों के टुकड़े नहीं कर सकते, ये अखंडनीय होते हैं, ठीक है। किसी भी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्ण और वर्णमाला में क्या अंतर है? वर्ण आप वर्ण अक्षर कह सकते हो, लेकिन प्लूरल यानी बहुवचन में आप काम लेते हो तो वो वर्णमाला होगी। जैसे अल्फाबेट्स में आपको कहूँ इंग्लिश की, तो ए बी सी डी, ए से लेके जेड तक के जो वर्ड्स है, ए से लेके जेड तक के जो अक्षर है वो होते हैं। वैसे ही हमारी हिंदी के अंदर वर्ण व्यवस्था होती है, वर्ण माला होती है, जो अ अनार से लेकर के ज्ञ ज्ञानी तक होती है, ठीक है बच्चों। तो वर्ण विचार में सबसे पहले हमने क्या देखा? ध्वनियों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। और यदि प्रश्न पूछा जाए कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो वो शब्द होती है, ठीक है बच्चों। जो वर्ण होते हैं उनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। किसी भी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? वर्ण माला कहा जाता है। बच्चों वर्ण जो होते हैं, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। यानी वर्णों का जो भाग विभाजन किया गया है, वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर और व्यंजन क्या होते हैं? देखो स्वर वो होते हैं जिन्हें बोलने के लिए
या जिनके उच्चारण में हमें किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं होता है, वो हमारे मुख से बिना किसी अवरोध के निकल आते हैं, यानी बिना किसी रुकावट के वो हमारे मुख से उच्चरित होते हैं, इसलिए इन्हें स्वर कहा जाता है। जैसे स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं 11। कौन कौन से होते हैं बच्चों? देखो, अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री, री से ऋषि। ठीक है बच्चों, फिर ए, ऐ, ओ और औ, ये 11 स्वर होते हैं। ठीक है, हमारे जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन में जो मात्राएं लगती है ना बच्चों, वो मात्राएं इन्हीं स्वरों की लगती है। ठीक है, अब इनमें से ये जो अ है, ये जो अ है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। मात्राएं कितनी होती है? मात्राएं केवल 10 होती है इनकी। अ से अनार की कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है, लेकिन आपको किसी अक्षर में मात्रा नहीं दिख रही है और वो अधूरा भी नहीं है, तो जहाँ पर कोई मात्रा नहीं होती है वहाँ बच्चों अ छुपा हुआ होता है। जैसे यहाँ पर व है, इसमें व में आपको कोई मात्रा दिख रही है क्या? नहीं दिख रही, तो इसमें क्या छुपा हुआ है? अ। ठीक है, यहाँ पर व में एक ही मात्रा दिख रही है आपको, च में आ की मात्रा दिख रही है आपको, लेकिन र में कोई मात्रा नहीं है, तो यहाँ पर क्या है? अ है। आया बच्चों समझ में? ठीक है, तो अब जो स्वर है हमारे, इन स्वरों को भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक तो होते हैं लघु स्वर, इन्हें ह्रस्व भी कहा जाता है, इन्हें मूल भी कहा जाता है, यानी मेन स्वर भी कहा जाता है इन्हें। दूसरे होते हैं हमारे दीर्घ स्वर। क्या होते हैं? दीर्घ स्वर। अब ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर क्या होते हैं बच्चों? देखो, जिन स्वरों को बोलने में कम से कम समय का उपयोग किया जाता है, यानी उनको बोलने में हमारा कम समय व्यतीत होता है, वो कहलाते हैं मूल स्वर। वो कौन कौन से होते हैं? अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। इन चारों स्वरों को मूल स्वर या मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहा जाता है। कौन कौन से? अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये जो चार स्वर हैं, ये कौन से होते हैं? ये मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर या छोटे स्वर भी आप इन्हें कह सकते हो। ठीक है, अब बचा हमारा दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं बच्चों? बाकी जो बच रहे हैं ना, ये 7 स्वर, ये सारे दीर्घ स्वर होते हैं। कौन कौन से? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। ये जो 7 स्वर हैं, ये दीर्घ होते हैं। दीर्घ क्यों होते हैं? क्योंकि इनके उच्चारण में ही मूल स्वरों से दुगना समय लगता है, तो इसलिए इन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। दीर्घ यानी बड़ा। अब इसके अतिरिक्त एक स्वर और माना जाता है, जिसे प्लुत कहा जाता है, प्लुत स्वर। इन प्लुत स्वर में दीर्घ से भी ज्यादा, यानी कि इनके उच्चारण से तिगुना समय लगता है, उन्हें कहते हैं प्लुत स्वर। लेकिन ये जो कार्य आता है ना बच्चों, इसका जो उपयोग किया जाता है वो संस्कृत में किया जाता है, हमारी हिंदी में इसका बहुत कम उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो वो कौन से है? उच्चारित करके देखो आप, इसको लिखने में अगर आप शॉर्ट में लिखते हो तो इसको ये वाला रूप दिया गया है, लेकिन इसका जो उच्चारण होता है वो इसी प्रकार से होता है। पहले ओ का उच्चारण होगा, फिर ऊ का उच्चारण होगा और फिर म का उच्चारण होगा। ठीक है, तो इन्हें मूल स्वरों से तिगुना समय लग रहा है बोलने में। यदि मूल स्वर बिना किसी रुकावट के, बिना समय व्यतीत किए फटाफट हमारे मुंह से उच्चरित होते हैं, इनसे जब दुगना समय हमको उच्चारण में लगता है तो वो दीर्घ स्वर हो जाते हैं, लेकिन इन्हें जब उच्चारण करने में तिगुना समय लगता है तो वो प्लुत स्वर माने जाते हैं, जो कि संस्कृत भाषा में अधिकतर उपयोग में किया जाता है। ठीक है, तो हमारे जो स्वर हैं वो कितने हुए? हमारे स्वर 3 प्रकार के होते हैं, मूलतः 3 हैं, लेकिन हिंदी भाषा में 2 स्वरों को काम में लिया जाता है, जो कि मूल स्वर है और दीर्घ स्वर है। मूल स्वर में 4 स्वर आते हैं, अ, छोटी, छोटा ऊ और ऋ से ऋषि, और जो दीर्घ स्वर है उनके अंदर 7 स्वर आते हैं, जिनमें आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ,
ऐसे एड़ी ऐसे ऐनक ओसे उपली और औसे औरत। अच्छा बच्चों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर अंग और अह जो है उनका कोई भी वर्णन नहीं किया है, उनका विवरण नहीं दिया गया है। तो बच्चों देखो, वो किसके अंदर गिने जाते हैं, वो किसके अंदर काउंट होते हैं? एक तो ये वाला होता है अंग, ठीक है, एक ये होता है अह, एक और होता है जिसे अनुनासिक कहा जाता है, इसे अनुस्वार कहा जाता है। अनुस्वार, जैसे मैंने बोला कंगन, किसका उच्चारण दे रहा है ये? न का उच्चारण दे रहा है, ठीक है। अह, अंतःस्थ, ये ह का उच्चारण करता है, इसे विसर्ग भी कहा जाता है जो संस्कृत में काम में लेते हैं। ये ज्वाला जो है इसे अनुनासिक कहा जाता है। अनुनासिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके उच्चारण में हमारे मुख और नाक दोनों से वायु बाहर आती है, वायु का जो रुकावट पैदा होती है। यदि हम नाक को बंद कर लेते तो हम इसका उच्चारण नहीं कर सकते, यदि हम मुंह को बंद कर लेंगे तो भी हम इसका उच्चारण नहीं कर सकते। जैसे मैंने बोला आंख, बोल के देखो, नाक बंद करके बोल के देखो या मुंह बंद करके बोल के देखो, आप इस शब्द को नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि इसे बोलने के लिए हमारी नाक और मुंह दोनों को कार्य करना पड़ता है। यदि दोनों में से किसी एक में रुकावट पैदा होती है तो वो इसका उच्चारण हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला अंग जो है ये तो हो गया आपका अनुस्वार, ये हो गया आपका विसर्ग, और इसे कहते हैं अनु नासिक, ठीक है बच्चों। लेकिन इन्हें अयोग वाह कहा जाता है, क्योंकि ये ना तो स्वर में काउंट किए जाते हैं, ना तो स्वर में इनकी गिनती की जाती है, और ना ही व्यंजन में इनकी गणना की जाती है। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? अयोग वाह, ठीक है बच्चों। तो हमारे जो स्वर है वो कितने प्रकार के हो गए? तीन प्रकार के। कौन कौन से? लघु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है। स्वरों में भी आपने देखा 11 स्वर तो हमारे कौन कौन से हैं वो हमने देखा। इसके अलावा जो इसके अतिरिक्त हैं, जो आप वर्णमाला के अंदर पढ़ते हो, वो स्वर ये है। लेकिन इन्हें ना स्वर माना जाता है ना व्यंजन माना जाता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? अयोग वाह कहा जाता है बच्चों, ठीक है। अब हम व्यंजन देखते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? देखो बच्चों, व्यंजन क्या होता है? व्यंजन, इनको बोलने के लिए यानी इन ध्वनियों के उच्चारण में हमें हमारे मुख के किसी ना किसी हिस्से को छूती ही वायु बाहर आती है, यानी इनको बोलने में जो है हमारे मुख में वायु कहीं ना कहीं टकरा करके आती है, इसलिए इन्हें व्यंजन कहा जाता है। अब व्यंजन जो होते हैं वो बहुत प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से प्रकार के होते हैं देखो, व्यंजन में सबसे पहले आता है स्पर्शी व्यंजन, इसे स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। इनकी संख्या होती है बच्चों 25, ठीक है। फिर आते हैं अंतःस्थ, अंतःस्थ की संख्या होती है 4। फिर आते हैं ऊष्म, ऊष्म की संख्या भी 4 होती है। इसके बाद आते हैं संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या भी 4 है। इसके बाद हमारे दो स्वर आते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन ये होते हैं 2। देखिए काउंट करो कितने हो गए, 25, 4, 29, 29 और 4, 33, 33 और 4, 37, 37 और 2, 37 और 2 कितने हो गए बच्चों? 37 और 2, 39, कितने हो गए ये? 39। 39 व्यंजन तो ये हुए, 11 हमारे स्वर हो गए, ठीक है, और 2 हमारा अयोग वाह हो गए। तो टोटल कितने हुए? 39 और 2, 41, 41 और 11 हो गए हमारे 52। तो हमारे वर्ण कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला के अंदर? वर्णों की संख्या कुल कितनी है? 52। यदि पूछा जाए स्वर कितने होते हैं तो वो 11 होते हैं। यदि पूछा जाए व्यंजन कितने होते हैं तो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है बच्चों? देखो आपके सामने है, 11 और 2 को हटा दो, बाकी कितने बचे? 39। 39 हमारे वर्ण होते हैं, व्यंजन होते हैं। अगर हम उच्चिप्त व्यंजन को भी ना देखें, संयुक्त व्यंजन को भी ना देखें, तो व्यंजनों की संख्या जो मानी जाती है वो मानी जाती है 33।
तो 33 और 11 44 कहीं कहीं ये ऑप्शन भी मिलता है। अगर आपको 52 की जगह 44 ऑप्शन मिल रहा है तो आपका वो 44 ऑप्शन भी सही है। ठीक है, वो विकल्प के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों की विकल्प आपको क्या दिए जा रहे हैं। उस प्रश्न के आधार पर जो प्रश्न आपको दिया जा रहा है उस प्रश्न को देख करके आपको विकल्पों को देख करके उत्तर चयन करना होता है। ठीक है, तो व्यंजन कितने होते हैं बच्चों? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन। अब हम देखते हैं इसमें स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, अंतस्थ कौन कौन से होते हैं और ऊष्म, संयुक्त और उत्क्षिप्त कौन कौन से होते हैं। तो व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन मैंने आपको बताया कौन कौन से होते हैं, उनके अंदर देखते हैं हम कौन कौन से व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन पहला है। स्पर्श व्यंजन क्या होता है, जिन व्यंजनों को बोलने में हमारे मुख से जो वायु बाहर आ रही है, जिस उच्चारण करते समय जो ध्वनि हमारे मुख से बाहर आ रही है वो हमारे मुख के कौन से भाग को छूकर आ रही है, उस आधार पर इस वर्ग का वर्गीकरण किया गया। स्पर्श यानी छूकर के बाहर आती है, जैसे क वर्ग है, क वर्ग में क, ख, ग, घ और ग, च वर्ग में च, छ, ज, झ और इया, ट, ठ, ड, ध, ह, त, थ, द, ध, न, प, फ, ग, घ और म। तो बच्चों इनके उच्चारण स्थल देखो, क वर्ग जो है ये इसको बोलने हमारे जो वायु है वो कंठ को टकरा के बाहर आती है। देखो बोल के देखो, क, ख, हमारा ये जो कंठ है ना इस पे रुकावट आ रही है, यानी इसको टच करके वो वायु बाहर आ रही है। क, ख, ग, घ, ङ, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हो गया कंठ है। क्या हो गया, कंठ है। दूसरा वर्ग जो है च, छ, ज, झ, य, तालू को छू करके बाहर आ रही है, यानी हमारे गले में आप जानते हो वो विक्स का जो ऐड आता है, विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो, तो वो जो खचखच वाला कीड़ा है वो किस पर लटकता है, वो जो एक घंटी सी होती है ना गले के अंदर, उसे तालू कहा जाता है। तो उस पर लटक के वो घूमदार उसे खराब करता है। हमारे गले में खराश कब होती है, जब उसके अंदर कोई डिफेक्ट होता है तो हमारे गले में खराश होती है। तो उसको छू करके वायु बाहर आ रही है, इसलिए इन्हें तालव्य व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें, तालव्य। बोल के देखो, च, छ, ज, झ, ञ। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ट वर्ग, इन्हें कहा जाता है मूर्धन्य। अब मूर्धा क्या होती है बच्चों, हमारा जो दांत और गले के बीच का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, टाइट वाला, कठोर वाला, उसे कहा जाता है मूर्धा। इसीलिए इन व्यंजनों को मूर्धन्य व्यंजन कहा जाता है। जैसे बोल के देखो, ट, ठ, ड, ढ, ण, आपकी जो जीवा है वो ऊपर की ओर फोल्ड हो रही है और उस ऊपर वाले हिस्से को टच करके, उस ऊपर वाले हिस्से को छू करके फिर आपकी वायु निकल रही है, यानी उच्चारण कैसे हो रहा है, आपको आपकी जीवा को वो ऊपर जाकर के उस स्थान को टच करना पड़ रहा है, छूना पड़ रहा है। ठीक है बच्चों, फिर आता है आपका त वर्ग, इन्हें कहा जाता है दंत्य, यानी जब आप इनका उच्चारण करते हैं तो वायु जो है वह आपके दांतों से होकर के बाहर आती है। जैसे बोल के देखो, त, थ, द, ध, न। ठीक है, फिर आता है प वर्ग, इसे कहा जाता है औष्ठ्य, यानी इन्हें बोलने के लिए आपके होठों को छू करके वायु बाहर आती है। बोल के देखो, प, फ, ब, भ, म। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे स्पर्श व्यंजन। इसके बाद में होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, य, र, ल और व। ये चार व्यंजन कौन से माने जाते हैं, अंतस्थ माने जाते हैं। अंतस्थ क्यों कहा जाता है इन्हें, क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे अंदर से वायु बाहर आती है, इसलिए इन्हें अंतस्थ कहा जाता है। य, र, ल, व, हमारे अंदर से वायु बाहर आ रही है, ठीक है, इसलिए इन्हें अंतस्थ कहा जाता है। फिर आते हैं ऊष्म व्यंजन, इसमें आता है श, शलगम, श, षटकोण, स, सपेरा और ह से हल। ठीक है बच्चों, ये जो श है तुम्हारे,
ये श श और स, इनका उच्चारण स्थल अलग अलग है इसलिए इन्हें अलग अलग माना जाता है। कैसे? आगे वाला जो शलगम है आपका, ये तालव्य होता है। षटकोण जो होता है वो मूर्धन्य होता है। और सपेरा तो वैसे ही अलग है, लेकिन फिर भी इसे एक मान लिया जाता है। कई लोग इनके उच्चारण में अशुद्धियां करते हैं, तो वो स जो है वो दंत के स है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञानी और श्रसे श्रमिक। ये चार जो वर्ण हैं आपके, ये चार जो व्यंजन है संयुक्त व्यंजन माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके निर्माण में दो वर्णों का, दो व्यंजनों का मेल होता है। कैसे होता है? आपका ये जो क्ष है ये आधा क और श से मिलकर बना है। आपका ये जो त्र है ये त और र से मिलकर बना है। ये जो ज्ञ है वो ज और य से मिलकर बना है। ये जो श्र है श और र से मिलकर बना है। तो दो दो व्यंजन हो गए ना इनके अंदर, दो दो व्यंजनों से इनका निर्माण हुआ है। लास्ट प्रश्न है हमारा उच्चिप्त व्यंजन। उच्चिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अड़ और अठर। इनका जो प्रयोग किया जाता है बच्चों, वो शब्द के बीच में किया जाता है। इन व्यंजनों से कोई भी शब्द स्टार्ट नहीं होता, शुरुआत नहीं होती किसी भी शब्द की, प्रारंभ में ये अक्षर नहीं आते। जैसे पढ़ाई, चढ़ाई, ठीक है। और उसे देखो आप, सड़क, लड़ना। आपकी जो वर्णमाला के अंदर जो स्पर्श व्यंजन थे ना बच्चों, उनमें ये ड ढ अलग है और वो ड ढ अलग, वो अड़ और अढ़ का स्वर देते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की कक्षा जिसमें हमने स्वर और व्यंजनों के बारे में पढ़ा। बच्चों इन्हें ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।